Hello everyone, this side Rohit Pawar. I am a UG student, undergraduate student, studying ECE from IIT Guwahati. मुझे थोड़े बहुत लोगों ने मुझे Instagram में जब मैंने एक story डाली थी कि ask me a question and I will reply on YouTube करके, तो मुझे 2-3% ने मुझे पूछा था कि तेरी IIT की journey and तेरा कैसा था IIT का जब तू IIT कर रहा था. तो मैं वो थोड़ी सी आपको जर्नी बताना चाहता हूँ कि जब मैं IIT मतलब जब मैं prepare होता 11th या फिर 12th में, I am a non-dropper, मैं drop नहीं हूँ, मेरा regular है. तो जब मेरी 11th एंड 12th की जब प्रिपरेशन चल रही थी, तो किस लेवल से चल रही थी और मैं क्या क्या कर रहा था उस टाइम पे, तो मैं वो आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी दूंगा. वज सो फर्स्ट वी गो विद द टाइम टेबल. मैं हमारा जो टाइम टेबल क्या था, मैं मेरी जो कोचिंग है मैंने 11th और 12th पूरी नारायणा से करी है. नारायणा टॉप रेंज है मतलब नारायणा जो है यहाँ पे पूरा तेलंगाना में नारायणा सी जितने वही चलता है. तो सेम माइंड सेट से हमें भी वही इसी से पेरेंट्स ने भेजा था कि अगर नारायणा में जाए तो रैंक लेके आ जाएगा. तो बहुत अच्छा ही हुआ, वो तो क्रेडिट देता हूँ मैं डेफिनेटली नारायणा को, क्योंकि नारायणा नहीं होता तो पता नहीं हम रैंक आ भी सकते थे नहीं आ सकती. तो मैं आपको मेरा टाइम टेबल बता देता हूँ, मेरा टाइम टेबल कैसा था वहाँ पे. तो हमें वहाँ पे मॉर्निंग्स 5:30 को उठाया जाता था. 5:30 को उठा के हमारी 6:00 हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी. 6 से 7:30 तक पहले स्टडी आवर था. 7:30 से 8 तक पहले हमारा ब्रेक था. ये 3 क्लासेस चलती थी हमारी, 8 से 9:30, 9:30 से 11, 11:10 से 12:30 तक हमारी तीनों क्लासेस चलती थी, क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है माइंड एक्टिव होता है करके. उसके बाद 1:30 से 3:00 तक हमारी स्टडी आर था, तो मैक्सिमम हमारा मैच चलता था. फिर 3:00 से 4:30 तक एक और स्टडी आर चलता था, वो था मैक्सिमम केमिस्ट्री का चलता था. उसके बाद 4:30 से 5:00 तक हमारा ब्रेक था. ब्रेक होने के बाद हमारी 5 से 6:30 तक एक और स्टडी आर था. मतलब पहले क्या होता है, हमारी 3 जो है क्लासेस चलती है, उसके बाद 3 हमारी स्टडी आर चलती है, उसके बाद फिर हमारा जो रात में जो स्पैन होता है वो हमारा स्टडी आवर का होता है, वो पर्सनल स्टडी आवर होता है कि हम कुछ भी पढ़ सकते हैं. तो मैक्सिमम नारायणा जो प्रिंसिपल थे हमारे चैतन्य सर एंड वाइस प्रिंसिपल विक्रम सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है. मैं बता रहा हूँ लिटरली जितना भी तुम टाइम वेस्ट करोगे ना, वो डेफिनेटली आके और रोहित और अभिजीत और रोहित वर्धन और ऋग्वेद कैसा क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं यही बोलते रहते थे वो. क्योंकि मतलब बोलते मैं तो 4 मेंबर्स का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मतलब क्लोज थे मेरे, तो डेफिनेटली वो यही नाम बोलते रहते थे कि टाइम वेस्ट मत करो, यूसे इसी टाइम को यूटिलाइज कर लो. उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मैं टू बी हॉनेस्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी कि उनके कैंपस से रैंक आए करके. डेफिनेटली अगर IIT में आ रहे हो तो जो स्ट्रगल आप करते हो वो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आता है. उसके बाद हमारा 6:30 से 8:00 तक हमारा एक और स्टडी आर था, वो स्टडी आर पर्सनल स्टडी आर होता था. मैं चूज पक्का फिजिक्स ही करता था उस टाइम पे, क्योंकि फिजिक्स हो गया था तो रेगुलरली मैं 3 घंटे फिजिक्स ही करता था. एंड उसके बाद 8 से 8:30 तक हमारा ब्रेक चलता था. 8:30 नहीं चलता था, 8:40 तक चले जाता था. एंड उसके बाद 8:40 से 10:30 तक हमारा एक और टाइम चलता था. तो व्हाट आई प्रीफर इज मैं वहाँ 45 मिनट्स मैं मेरा केमिस्ट्री रिवाइज करता था जो मैंने सुबह पढ़ा, एंड मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स में फिर से रिवाइज करता था. एंड नाइट जब केमिस्ट्री होने के बाद मैं मैथ्स प्रैक्टिस करता था उसके बाद, कि जो जो मैथ्स की मैंने प्रॉब्लम करी, क्योंकि रिविजन इज मस्ट. रिविजन अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हो तो आपका बहुत कम चांसेस होता है. रिवीजन आपकी इसलिए करवाई जाती है क्योंकि आपको जो आपने पढ़ा है उसी को आप रिवाइज कर सको एंड उसे आप बेनिफिट वे में आप कर सको. मैं बता रहा हूँ IIT जर्नी इज नॉट ए स्मॉल जर्नी, क्योंकि JEE मेंस तो थोड़े बहुत NCERT से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जब JEE एडवांस के पेपर आप सॉल्व करते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि किस लेवल में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी. मैं बता रहा हूँ स्टडी सक्स बट फेलियर के जितना सख्त नहीं होता वो. ये वीडियो मैं मोटिवेट करने के लिए समझ लो या फिर मैं मेरा जर्नी समझ लो, कुछ भी समझ लो, पहले बहुत लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे. मैं बता रहा हूँ बहुत जीरो मोटिवेशन भी आ जाती है एक टाइम पे कि आप नहीं कर पाओगे. लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर उस टाइम पे आपको क्लियर हो गया ना आपने ये क्यों स्टार्ट किया था, डेफिनेटली विल गो नॉट अचीव. अगर उस टाइम पे ये याद रख लेना कि आपने ये स्टार्ट क्यों किया था, आपने IIT जर्नी स्टार्ट क्यों करी थी, आप विजुअलाइज करोगे ना IIT कैसे होता है, आपकी IIT वहाँ पे फिक्स हो जाएगी. पहला मैं बता रहा हूँ फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज एक्शन टेकिंग, सेकेंड स्टेप टू सक्सेस इज योर रिविजन पार्ट. रिवीजन जब तक नहीं होगा IIT का आना बहुत मुश्किल है. IIT में सबसे मेन पार्ट है रिवीजन. किसी भी दिन को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, पहले उसे प्लान रखो कि आप उस दिन में आपको टू डी लिस्ट बना लो आपकी, कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे ये चैप्टर पढ़ना है. मुझे मेरा फेवरेट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ा है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसके बाद मेरा इनऑर्गेनिक, उसके बाद मेरा फिजिकल. पता नहीं ऑर्गेनिक क्यों, लेकिन हमारे फैमिली में सभी को ऑर्गेनिक ज्यादा पसंद है. इससे पहले प्रिया दीदी को भी ऑर्गेनिक था, मेरा भी ऑर्गेनिक है, और बबलू है उसका भी ऑर्गेनिक था. एंड वो जाता ही रहता है वो, क्योंकि ऑर्गेनिक पता नहीं हमें थोड़ा अच्छा ही लगता है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें केमिस्ट्री में ही थोड़ा ज़्यादा लव हो गया था. एंड मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत मैथ्स को ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता था. तो मेरे दोस्त थे जो मेरे सर्किल था, कि रोहित वर्धन, ऋग्वेद एंड अभिजीत,
इन्होंने मुझे इतना मैथ्स में इंक्लूड करके इतना, ये दिन पूरा मैच करते रहते थे, मैं बता रहा हूँ लिटरली मैथ्स में तो पूरे घुसे होते थे। तो इन्होंने मुझे मैथ्स की आदत दिखा दी वहाँ पे, तो वहाँ से मेरा मैथ्स का मेरा फेवरेट टॉपिक हुआ टिल 12th तक, उसके बाद का नहीं बता सकता मैं। बीटेक की लाइफ में एक और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इसमें नहीं बता रहा। टिल 12th तो मेरा मैथ्स मेरा नंबर वन प्रियोरिटी था। हमें नारायण ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था, इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि अगर तुम कुछ भी अगर पढ़ रहे हो ना, उससे अगर तुम्हारा कुछ रिजल्ट नहीं बना, लेकिन तब भी तुम उससे कुछ ना कुछ सीख जाओगे। और उसमें हमने ये बताया था कि मैटर ये नहीं करता तुम्हारे पिछले उसमें कितने मार्क्स आए, मैटर ये करता है कि आज तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिससे तुम्हारा जो आने वाला फ्यूचर है वो तुम्हारा बेटर हो, जिससे तुम्हारे जो कल परसों जो कल का जो मतलब डेली टेस्ट होते हैं लास्ट में, तो डेफिनेटली रिविजन के, तो हमें डेली काउंसलिंग होती थी हमारे प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल आता था सेम भाषण बोल लो, हम तो भाषण ही बोलते थे उसे। टू बी हॉनेस्ट, मैं पूरी हॉनेस्टली बात कर रहा हूँ जो मेरा सफर था। तो जैसे हमें डेली भाषण लगता था, लेकिन वो भाषण नहीं था तो हमारे अच्छे के लिए था वो, लेकिन हमें लगता नहीं था उस टाइम पे। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन इस पूरी जर्नी में, आईआईटी की प्रिपरेशन की जर्नी में, नॉट आईआईटी की जर्नी में, आईआईटी की प्रिपरेशन में जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिलेगा आपके पेरेंट्स एंड आपके प्रिंसिपल आपको बहुत मोटिवेट रखेंगे। अगर वो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे तो उन्हें बोलो कि पापा आई हैव टू अचीव दिस, मुझे ये लाना है। तो डेफिनेटली आपके जो पेरेंट्स हैं, मैं बता रहा हूँ पापा की जर्नी बहुत होती है आईआईटी में, मदर से ज़्यादा लगाव तो पापा को हो जाएगा, मतलब लगाव समझ लो उसे, डांट समझ लो, लेकिन पापा से आपका बॉन्डिंग वहीं पे ज़्यादा होगा 11th एंड 12th के टाइम पे। एंड उस टाइम पे अगर आपके फादर को आपने बोल दिया पापा आई हैव टू अचीव दिस एंड आई हैव टू अचीव दिस, तो आपके फादर डेफिनेटली आपको उस दिन पूरा, नॉट दिन पूरा, उस जर्नी में पूरा आपको सपोर्ट रखेंगे, आपका हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि पेरेंट्स हमारा भला ही चाहते हैं। डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारे जो अपोज बोलते रहे कि तुझे आ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डेफिनेटली उनको वो इसलिए हमें कॉलेज में ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, डेफिनेटली कि हमें एक आउटपुट रिजल्ट रखा निकाले, एक आउटपुट रिजल्ट निकाले वहाँ से। तो अगर आप उसे अब अगर आप उनसे ओपनली हो ना, वो बहुत ज़्यादा ओपनली हो जाते हैं आपसे। एक टाइम तो ऐसा भी आया था मुझे कि आफ्टर 11 सभी को यही लगता है कि मेरा कुछ नहीं बनेगा, मैंने इतने जो टाइम है मैंने वेस्ट कर दिया, मैंने अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली सभी को लगता है, मुझे नहीं सभी को लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उस टाइम पे अगर आप डट गए ना, मतलब जो आपने दो टाइप के लोग होते डेफिनेटली उस टाइम अगर समझ लिया कि एक बोल देगा कि नहीं हो पाएगा छोड़ देगा, एक बोलेगा क्यों, मतलब वो निकालेगा कि क्यों नहीं हो पाएगा, अगर वहाँ पे आपने क्यों नहीं निकल हो पाएगा अगर वो आप बन गए ना, डेफिनेटली आपका बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ अगर आईआईटी में आपका लाना है तो पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। पहले अगर आपने मान लिया कि मुझे चाहिए, एक्शन टेकर इज अ फर्स्ट स्टेप, मैंने पहले कहा था, अगर आपने मान लिया ना मुझे डेफिनेटली मिलेगा तो डेफिनेटली आपको मिलना कन्फर्म है आपका। ज़्यादातर लोगों को आईआईटी का रियलाइजेशन, मैं बता रहा हूँ 11th होने के बाद होता है कि आईआईटी अगर हमें मिलेगा तो ये होगा वो होगा। मैं बता रहा हूँ अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, मैं बता रहा हूँ इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब 11th या 12th में हो, तो जितना जल्दी आपका हो उतना जल्दी, मैं बता रहा हूँ आज से स्टार्ट होता है आपकी जर्नी आईआईटी की। मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ पूरी आपको ये लगेगा कि मैंने वो स्टेप अच्छा लिया था। मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी लाइफ हो जाएगी, बहुत आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं बता नहीं सकता आपको, मैं नहीं बता सकता, मैं इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो फीलिंग। अगर आप आईआईटी में चले गए, वो उनका पूरा कल्चर ही अलग है, पूरा कल्चर अलग है जो आपका 11th में और आपका इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में। मैं थोड़े बहुत वीडियोज़ के बाद में बता दूंगा आपको बीटेक की लाइफ भी कैसी होती है, हमारी आईआईटी की लाइफ कैसी होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपका पूरा ही अलग होता है वो जर्नी। एंड ऑलवेज रिमेंबर रिविजन इज द सेकेंड की टूवर्ड्स द सक्सेस, सेकेंड की टू क्रैक आईआईटी जेई एडवांस, पक्का आ जाएगा। एक्शन टेकर बनो, उसके बाद जो पढ़ रहे हो उसको फिर से रिवाइज करो, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे आपको याद नहीं रहेगा वो टॉपिक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप कौन से ईयर में हो, मतलब इंटर फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में हो जो आप ये वीडियो देख रहे हो, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किसको, मतलब मैंने बताया था कि विजुअलाइज करना है तो आपने किस आईआईटी को विजुअलाइज किया था। मैं बता रहा हूँ ऑल आईआईटीज आर रॉकिंग, ऑल आईआईटीज आर रॉकिंग, बहुत टॉप कॉलेज पक्का आईआईटीज में होंगे, तो समझ लो अगर टॉप कॉलेज में हो तो टॉप कॉलेज की आपको एक मतलब क्वालिटी बनेगी आपकी एक। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो ये वीडियो आप उन स्टूडेंट्स को आप भेज सकते हो, जो आपके ब्रदर को भेज सकते हो जो 11th और 12th में, उनसे डेफिनेटली वो मोटिवेट फील होंगे, उन्हें पता चलेगा भाई आईआईटी में क्या होता है। मैं बता रहा हूँ अगर वो उन्हें पता चल गया ना, उनके पास वो कोई रीज़न नहीं होगा कि उन्हें क्यों छोड़ना है, उनके पास अंदर से एनर्जी आएगी कि करने की।
तो ये वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक ले बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट सक्सेस जर्नी।